एक समय में हमारी दुनिया में डायनासोर का राज था। वे चलते थे जहां हम चल रहे हैं, इसी हवा में सांसें ली, इसी धरती पर लड़ाइयां लड़ी। इन दैत्याकार बड़े विचित्र डायनासोर ने करीब 14 करोड़ सालों तक इस धरती पर राज किया। इन डायनासोर की कई हजार प्रजातियां थी। इनमें से कुछ शाकाहारी थे, कुछ मांसाहारी, तो कुछ डायनासोर बहुत ही शांत स्वभाव के थे, वहीं कुछ डायनासोर बहुत ही हिंसक और खतरनाक थे। ये उस समय के सबसे सफल जीव थे। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ? आखिर वह कौन सी घटना थी जिसने इनका नामो निशान ही मिटा दिया? इसे जानने के लिए हमें करोड़ों साल पीछे जाना होगा और डायनासोर के उस अंतिम दिन को करीब से देखना होगा। तो आइए चलते हैं आज से 65 मिलियन साल यानी कि 6 करोड़ 50 लाख साल पीछे। आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले धरती पर मौसम सामान्य था। चारों ओर सूरज की रोशनी बिखरी हुई थी, लंबे लंबे पेड़ों से टकराती समुद्र की ठंडी हवाएं और चारों तरफ डायनासोर के चिल्लाने चिंघाड़ने की आवाजें। जब ये सारी डायनासोर प्रजाति बड़े ही आराम से धरती पर अपना जीवन बिता रही थी, तब 10 करोड़ साल पहले ही इनकी किस्मत लिखी जा चुकी थी। 10 करोड़ साल पहले एक छोटा एस्ट्रॉइड का टुकड़ा जो सुदूर अंतरिक्ष से आ रहा था, वह पृथ्वी से लगभग 20 करोड़ मील दूर मंगल और बृहस्पति के बीच बने क्षुद्र ग्रह बेल्ट में घूम रहे एक बड़े एस्ट्रॉइड से जा टकराता है। इस टकराव से उस बड़े एस्ट्रॉइड की दिशा बदल जाती है और वह क्षुद्र ग्रह बेल्ट से निकलकर सीधे पृथ्वी की ओर 22,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ने लगता है। जब यह एस्ट्रॉइड पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर था, तब धरती से शायद डायनासोर का अंत ना होता यदि यह एस्ट्रॉइड पृथ्वी के उपग्रह चांद से टकराता। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था, इसलिए ये बड़ा एस्ट्रॉइड चांद के बहुत नजदीक से गुजर गया। 40 किलोमीटर के व्यास वाला 2 ट्रिलियन मैट्रिक टन का ये एस्ट्रॉइड प्रत्येक सेकंड के साथ साथ धरती के करीब बढ़ता जा रहा था। ये एस्ट्रॉइड जब पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आया तो इसकी रफ्तार एकाएक 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गयी। पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते ही घर्षण की वजह से ये एक भयानक आग के गोले में बदल गया। ये इतनी रफ्तार से धरती की ओर बढ़ रहा था कि सिर्फ 4 मिनट में इसने अटलांटिक ओशियन को पार कर लिया। इसकी चमक इतनी अधिक थी कि धरती पर टकराने से पहले ही हजारों